सवाल इनका पीएनबी पर था, ये इन्होंने 56 पर लिया हुआ है और यहाँ पर भी इनको हल्का नुकसान हो रहा है। 1,000 शेयर्स इन्होंने 56 रुपए के पर एंट्री ली हुई थी। मंदार, आप सजेस्ट करिए पीएनबी में क्या करें। थोड़ा ऊपरी लेवल पर इन्होंने ले लिया है इस स्टॉक को, अभी क्या करना चाहिए पीएनबी में? पूजा जी, देखिए जैसे इन्होंने कहा कि इनका लॉन्ग टर्म व्यू है, तो मुझे लगता है कि पीएनबी तो होल्ड करना चाहिए लॉन्ग टर्म व्यू से। और इसके पीछे का रीजन ये है कि ऐसा पहली बार हो रहा है 10-12 सालों में कि स्टॉक एक साइंस दिखा रहा है ट्रेंड चेंज होने के। यानी अगर 2010 से अब तक का चार्ट देखते हैं तो ऊपर की लेवल्स पे स्टॉक में कंटिन्यूअसली बिकवाली देखने को मिली थी, स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा था। अब कोविड के बाद ऐसा हुआ है कि स्टॉक में एक अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन बना है। जब ये स्टॉक 30 रुपये से लेके ऊपर में 43-45 के लेवल्स तक ट्रेड कर रहा था, इस रेंज में ट्रेड कर रहा था, उसके बाद पिछले साल हमने देखा कि स्टॉक ये लेवल्स ब्रेक करके ऊपर चला। तो इसका मतलब ये है कि बेस फॉर्मेशन के बाद अब ये स्टॉक ट्रेंड चेंज कर रहा है। जो अब तक का डाउन ट्रेंड एक बना हुआ था वो अब ट्रेंड चेंज होके अप ट्रेंड में ये कन्वर्ट होगा, और उसी तरीके का इस स्टॉक में फॉर्मेशन फिलहाल तो बन रहा है। इनकी जो पोजीशन है उसके लिए मैं स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा 40 रुपीज का। 40 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड कीजिए और मुझे लगता है कि अगले कुछ क्वार्टर्स में इस स्टॉक में और अच्छी अपमूव देखने को मिलेगी। अगर मैं इसका मंथली चार्ट देखता हूँ तो इसमें जो एक बड़ा सा रेजिस्टेंस है वो सीधा मुझे 100 रुपए के आसपास दिखता है। तो अगर 3 से 5 साल का व्यू हो तो इस स्टॉक में अप ट्रेंड इंटैक्ट रहेगी। जो स्टॉप लॉस है वो 40 रुपए का स्टॉक में होना चाहिए। ठीक है, 40 रुपए का स्टॉप लॉस पीएनबी के लिए, इसमें बने रहिए। और इस पर बड़े निवेशकों का, बड़े एक्सपर्ट्स का भरोसा कायम है पीएनबी के शेयर को लेकर, और यहाँ से अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद है इस बैंक के। आगे बढ़ेंगे, कानपुर से उमा हमारे साथ हैं। उमा नमस्कार, पूछे क्या जानना है आपको? उमा से हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन इनके पास जो शेयर है उसकी सूची इन्होंने हमें भेज दी है। एक ही शेयर इनफैक्ट, सालासार टेक्नोलॉजीज, और ये शेयर है 1900 की संख्या में, 56 रुपये के आसपास के भाव पर, 45 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। थोड़े ऊपरी स्तर पर लिए हैं सौरभ जी, क्योंकि हमने देखा है सालासार टेक ने पिछले 1 साल में बहुत ही ज़बरदस्त चाल दिखाई है। 20 रुपये के स्तरों से करीब करीब 50-55 तक ये गया था और उसी भाव के आसपास इन्होंने लिया है, थोड़े से ऊपर लिए हैं। क्या आपको भरोसा है कि थोड़े नुकसान में अभी ज़रूर है लेकिन निवेशित रहे तो फायदा होगा इसमें? कहना मुश्किल है कि स्टॉक जिस तरह से अंडर परफॉर्म कर रहा है ब्रॉडर मार्केट को, और बिजनेस भी, कारोबार भी काफी छोटा है। इस तरह के जो बिजनेस होते हैं उसमें वॉलेटिलिटी बहुत होती है और इसके फाइनेंशियल्स में भी काफी हद तक वही है, तो मुझे लगता है कि इस तरह की कंपनी का चयन करना मुनासिब नहीं होगा। मेरी सलाह से निकल जाए। सालासार टेक से निकल जाने की सलाह है। थोड़ा सा अब बिजनेस को जो कि विजिबिलिटी नहीं है और यहाँ से जो प्रदर्शन दिखाया है शेयर ने उसको जारी रख पाएगा या नहीं, उसको लेकर थोड़ी सी आशंकाएं हैं। एक छोटा सा